आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद अफरोज। आइए देखते हैं कुछ खबरें। सिटी पुलिस ने मिलादुन्नबी के जुलूस को पुरअमन तरीके से गुजरने को यकीनी बनाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। दशहरा के त्योहार और विसर्जन की कामयाबी से तकमील के बाद मिलादुन्नबी और इससे मुतालिका जुलूसों के आज रात शुरू होने के पेश नज़र सिटी पुलिस कमिश्नर मिस्टर सीवी आनंद आईपीएस ने तमाम अहम लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग की। पुरानी हवेली में इनके कैंप ऑफिस में मुस्लिम उलमा, सीनियर पुलिस अफसरान और सिक्योरिटी और ट्रैफिक दिगर इंतजाम पर इनकी राय ली। मोमिन यूथ चैरिटेबल ट्रस्ट जनगांव की जानिब से आज मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप एक मीनार मक्का मस्जिद जनगांव पर मुनक्किद किया गया, जिसका इफ्तिताह डॉक्टर सिग्नाकर राजू सुपरिटेंडेंट जनगांव गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने किया। इस मौके पर कहा कि खून का अतिया देना बहुत बड़ा काम है, किसी भी मरीज को इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है, ऐसे कैंप मुनक्किद होंगे तो मरीजों की मदद होगी। डॉक्टर राम नरसिया ब्लड बैंक इंचार्ज जनगांव ने कहा कि मुसलमानों की जानिब से आज जो ब्लड डोनेशन कैंप कायम किया गया है बहुत अच्छा काम है, कई मुस्लिम नौजवानों ने अपनी मर्जी से आकर खून का अतिया दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के कैंप में मुस्लिम खवातीन ने भी आकर खून का अतिया दिया है। मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट और सदर मुस्लिम डेवलपमेंट कमेटी जनगांव जिले ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के महीने के मौके पर मुसलमानों की जानिब से आज जगह जगह ब्लड कैंप कायम किए जा रहे हैं, काबिले मुबारकबाद है। खून का अतिया देना एक इंसानियत का सबूत है, हमारे खून से किसी की जान भी बच सकती है। नौजवानों की जानिब से जो प्रोग्राम किया गया है बहुत अच्छा काम है। इस मौके पर मोहम्मद राफे मतीन एडवोकेट, मोहम्मद तहसीन सदर मदरस, मोहम्मद अलीम आदिल, आसिफ अफरोज, जहांगीर रुबानी, अरशद अब्दुल हादी, शाहनवाज जीशान, सलमान अय्यूब और दीगर भी मौजूद थे। आज मोमिन यूथ चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया, जिसके अंदर नौजवानों ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके नौजवानों ने खून का अतिया दिया है। मैं तमाम नौजवानों को मुबारकबाद दे रहा हूँ। पहली मरतबा एक अल्लाह के घर में मस्जिद के देहाते में ब्लड डोनेशन कैंप कायम करके ये इंसानियत का सबूत दे रहे कि आज खून के लिए दुनिया के लोग परेशान हैं, बीमार आदमी भी खून के अतिये के लिए तड़पते दवाखानों में फिरते रहता है। ऐसे मौके पे नौजवानों ने अपनी जाती और मर्जी से आगे खून का अतिया दिए हैं, जिससे कई लोगों की जान की हिफाजत होती है। ये जरूरी है, इंसानियत का सबूत है। सारी इंसानियत का सबूत ये है कि हम किसी की जान बचाना, किसी की मदद करना, ये अल्लाह अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि ऐसे सामाजिक कामों के अंदर नौजवान आगे बढ़ के नौजवान खिदमत करते हुए हेल्प करना जरूरी है। मैं नौजवानों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें दीजिए इजाज़त।